उपलब्धि पे फोकस करो। तो हम इसी तरह से अपने जीवन पे करते हैं, मगर जो आपको देख रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिसकी दृष्टिकोण आप में है, वो समझ जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो गुरुजन क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो अगर हमारा ये जो है मन है प्रदूषण का केंद्र है और सारा चीज़ हम भौतिक चेतना पे है, तो ये चेतना कैसे दूर जाएगा? तो भक्ति की विधि है ये नहीं, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो भक्ति के क्रमशः जो विधि है, इन विधि का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। भगवान का नाम बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, और फिर सुनना, श्रवण करना, और फिर उनका कीर्तन करना, यानी सुनना उनके विषय पे और फिर उनके लिए बोलना, इंद्रियों से बोलना। तो ये बारंबार जब ये प्रक्रिया आपके अंगों से चलेगी, तब फिर जा करके आपका अंग शुद्ध होगा। वो मन में जो भी कलमश बैठे हुए हैं, जो मन भगवान के आश्रित नहीं हो रहे हैं, वो लगने नहीं दे रहे हैं, तो वही एकमात्र उपाय है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम। तो ये सब सब उपाय हैं, और ये उपाय को आप ग्रहण नहीं करेंगे और ये इनके इन प्राग्रेन मन कृष्ण निवेशित, कि अपने मन को किसी भी प्रकार से अगर आप भगवान की सेवा पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये मन और ये पूरे शरीर की आवश्यकताएं अपार है, ये ऐसे इधर उधर तेजी से लगेगी कि आप कभी भगवान की सेवा को ग्रहण नहीं कर सकते, भगवान की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं।